वेलकम टू ओनली आईएस। आसाम में बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज और बहुत सारे गवर्नमेंट एक्सटेंशंस के बाद एनआरसी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन का प्रोसेस जैसे तैसे हाल ही में कंप्लीट हुआ ही था कि एक और इंडियन स्टेट नागालैंड एनआरसी के जैसे ही एक प्रोसेस को इनिशिएट करने का मन बना चुका है। नाम है RIIN, रजिस्टर ऑफ इंडिजीनियस इनहैबिटेंट्स ऑफ नागालैंड। इस इशू एनालिसिस में जानेंगे इस पूरे टॉपिक को, RIIN क्या है, इसका पूरा प्रोसेस क्या है, एसोसिएटेड इश्यूज कौन से हैं और ये एनआरसी से कैसे अलग है। आप इस टॉपिक को जीएस पेपर 2 के गवर्नमेंट पॉलिसीज वाले पार्ट से जोड़ सकते हैं। हैव अ लुक ऑन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ये स्टेट ऑफ आसाम है विद द कैपिटल गुवाहाटी, जहां पर एनआरसी का पूरा प्रोसेस अभी काफ़ी लंबे समय से न्यूज में था। और ये है इसका पड़ोसी राज्य नागालैंड विद द कैपिटल कोहिमा, जहां पर RIIN के प्रोसेस को इनिशिएट किया जाने वाला है कुछ ही दिनों बाद। इसके इतर कुछ अन्य राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश विद द कैपिटल ईटानगर, मणिपुर विद द कैपिटल इम्फाल, मिजोरम विद द कैपिटल आइजोल, त्रिपुरा विद द कैपिटल अगरतला, मेघालय विद द कैपिटल शिलोंग और सिक्किम विद द कैपिटल गंगटोक। तो आपने लोकेशन देख ली है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की। हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट कोटेशन आज महात्मा गांधी का है, जिसका इस्तेमाल आप जीएस पेपर 4 में भी कर सकते हैं, ऐसे में भी कर सकते हैं। यूजुअली वी टॉक अबाउट द पीपल हु सक्सीड, लेकिन फेल्योर हर व्यक्ति को कभी न कभी फेस करना ही पड़ता है अपनी लाइफ में, उन लोगों को भी जो सक्सीड हो चुके हैं उसके पहले या उसके बाद। एक्चुअली में सिग्निफिकेंट नहीं है कि आप सक्सीड होते हैं या फिर आपको फेल्योर फेस करना पड़ता है, सिग्निफिकेंट ये है कि आपने सक्सेस के लिए एफर्ट क्या किया था। सेटिस्फेक्शन लाइज इन एफर्ट, नॉट इन अटेनमेंट। अटेनमेंट के बाद आपके पास एक नया टारगेट होगा, एक नया गोल होगा। अगर आपने अपनी विक्ट्री के लिए पूरा एफर्ट लगाया है तो वही वास्तव में आपकी जीत है, ऐसा महात्मा गांधी जी का मानना था। स्टेटमेंट का इस्तेमाल अपनी समझ, अपनी जरूरत के हिसाब से करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आसाम के बाद नागालैंड ने रजिस्टर ऑफ इंडिजीनियस इनहैबिटेंट्स तैयार करने का मन बना लिया है, ये क्या है? देखिए, अभी 4 साल ही बीते हैं जब आसाम में ऐसा प्रोसेस स्टार्ट किया गया था एनआरसी को अपडेट करने का। नागालैंड की सरकार ने भी वैसा ही अपना खुद का एक वर्जन डेवलप करने की कोशिश की है, सिटीजनशिप रजिस्टर की। इनफैक्ट यहाँ पर जो इंडिजीनियस कम्युनिटीज़ हैं स्टेट की, उनको रजिस्टर करने का प्रयास किया जाएगा। अब देखिए, टॉपिक पर बढ़ने से पहले एक ब्रीफ ओवरव्यू एनआरसी के ऊपर इंपॉर्टेंट है। अगर हम एनआरसी को समझे बिना आगे बढ़ जाते हैं, दैट वुड बी अ काइंड ऑफ इनजस्टिस विद द टॉपिक। एनआरसी की हिस्ट्री क्या है आसाम में? देखिए, 25 मार्च 1971 की घटना है जब पाकिस्तानी आर्मी ने ढाका में ऑपरेशन स्टार्ट कर दिए थे। उसके बाद ही बांग्लादेश में वॉर स्टार्ट हो गया था। रिजल्ट ये निकला कि एक बहुत बड़ी संख्या बांग्लादेश से भारत की ओर माइग्रेट करने लगी। उसके बाद से ही इलीगल इमिग्रेंट्स जो आसाम में आए थे उनके ऊपर डिबेट स्टार्ट हो गई थी कि आखिर ये आसाम में आने के बाद वहाँ के लोगों के कल्चर को डाइल्यूट कर रहे हैं, उनकी जॉब्स ले रहे हैं, उनके रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये स्टेट की पॉलिटिक्स में भी एक कंटेंशियस इशू बन गया था। 6 साल का एजिटेशन लॉन्च किया गया था ऑल आसाम स्टूडेंट्स यूनियन के द्वारा 1979 में। ध्यान दीजिएगा, 1979 में ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन ने एजिटेशन स्टार्ट किया था। उनकी डिमांड ये थी कि जो लोग भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उन्हें आइडेंटिफाई किया जाए और वापस बांग्लादेश में भेज दिया जाए। फाइनली सरकार और AASU के बीच में, या जो लोग एजिटेट कर रहे थे लीडर्स, उनके बीच में 15 अगस्त 1985 को असम अकॉर्ड साइन हुआ। असम अकॉर्ड में कुछ महत्वपूर्ण बातें की गई, उसी के आधार पर इस एनआरसी को अपडेट भी किया जा रहा था। क्या बातें कही गई थी असम अकॉर्ड में? बात यह थी कि जो लोग 1951 से 1961 के बीच में इंडिया में आए हैं उन्हें फुल सिटीजनशिप दे दी जाएगी विद द राइट टू वोट। जो लोग 1961 से 1971 के बीच में आए हैं उन्हें सिटीजनशिप तो दे दी जाएगी लेकिन 10 साल तक वोटिंग राइट नहीं दिया जाएगा, 10 साल के बाद उन्हें वोटिंग राइट भी मिल जाएगा। लेकिन जो लोग 1971 के बाद भारत में आए हैं उन्हें वापस बांग्लादेश में डिपोर्ट किया जाएगा। हालांकि ये प्रोसेस चलता रहा, डिबेट चलती रही कि उन्हें कैसे डिपोर्ट किया जाएगा, सिंस हमारी कोई ऐसी ट्रीटी नहीं है बांग्लादेश के साथ जिसके तहत हम उन लोगों को वापस बांग्लादेश में डिपोर्ट कर सकती हूँ। एनआरसी को अपडेट करने का जो प्रोसेस है वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक 2013 में शुरू हुआ। एनआरसी को अपडेट करने की बात हम क्यों कह रहे हैं? बिकॉज नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन को फॉर द फर्स्ट टाइम आसाम के लिए 1951 में बनाया गया था, लेकिन वो 1951 के सेंसस के मुताबिक था, उसमें कोई कॉन्ट्रोवर्सी नहीं थी, एक जनरल सा रजिस्टर तैयार कर लिया गया था। अब उसे ही अपडेट करने की बात चल रही थी कि जो लोग इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनका नाम उसमें ना आने पाए। 6 दिसंबर 2013 को सरकार ने पहली नोटिफिकेशन जारी की और 3 साल का समय लिया पूरे एनआरसी के प्रोसेस को कंप्लीट करने का। उसके बाद सरकार ने 5 एक्सटेंशंस लिए इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने में, और अल्टीमेटली इस पूरे प्रोसेस को जब कंप्लीट किया गया तो 40 लाख लोग, 4 मिलियन लोग इस पूरे प्रोसेस में बाहर हो गए, उनका नाम एनआरसी में नहीं आ पाया। और ये बहुत बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी रही कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में लोगों का क्या किया जाएगा।
What will be the fate of those people? ये कॉन्ट्रोवर्सी अभी चल ही रही थी कि नागालैंड अपने खुद के NRC वर्जन के साथ हमारे सामने आ चुका है। एक नोटिफिकेशन जो नागालैंड के चीफ सेक्रेटरी टैमजन टॉय ने जून 29 को जारी की, उसके मुताबिक जो नागालैंड की सरकार है उन्होंने रजिस्टर ऑफ इंडिजीनियस इनहेबिटेंट्स ऑफ नागालैंड तैयार करने का फैसला कर लिया है। उद्देश्य ये है कि जो लोग फेक इंडिजीनियस इनहेबिटेंट सर्टिफिकेट लेकर नागालैंड में रह रहे हैं उन्हें आइडेंटिफाई किया जाए और उनके फेट को डिसाइड किया जाए, क्योंकि किया क्या जाएगा उनको आइडेंटिफाई करने के बाद ये तो पता ही नहीं है। RIIN एक मास्टर लिस्ट होगी जिसमें जो नागालैंड स्टेट के इंडिजीनियस इनहेबिटेंट्स हैं उनका नाम होगा। तो देखिए इस लिस्ट को प्रिपेयर कैसे किया जाएगा। लिस्ट को प्रिपेयर करने के लिए एक एक्सटेंसिव सर्वे का इस्तेमाल किया जाएगा जिसमें ऑफिशियल रिकॉर्ड देखे जाएंगे कि कौन से लोग नागालैंड के निवासी हैं कौन से नहीं हैं। ये काम अर्बन और रूरल एरियाज दोनों जगहों पर किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को जिम्मेदारी दी जाएगी कि वो इस पूरे सर्वे को कंडक्ट करें। इस लिस्ट को प्रिपेयर करने का काम 10 जुलाई 2019 से शुरू कर दिया जाएगा और जो पूरा प्रोसेस है वो 60 दिनों के भीतर कंप्लीट किया जाएगा। जो डेजिग्नेटेड टीम होगी सर्वेयर की वो 7 दिनों के अंदर फ्रेम कर दी जाएंगी जब नोटिफिकेशन जारी की गई है, मतलब कि ये काम शुरू हो चुका है इन टीम्स को तैयार करने का। उसके बाद उन्हें विलेजेस और वार्ड्स में भेज दिया जाएगा जहां पर वो इस लिस्ट को तैयार करने का काम शुरू कर देंगे। इस सर्वे को कैसे किया जाएगा? जो डेजिग्नेटेड टीम्स होंगी उनमें सब डिविजन ऑफिसर्स होंगे SDO और ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स BDOs, हेडमास्टर्स और जो अदर नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे वो इस लिस्ट को तैयार करेंगे। जो डेटाबेस होगा उसमें हर फैमिली के ओरिजिनल रेसिडेंस को मार्क किया जाएगा, उनका करंट रेसिडेंस क्या है उसे भी मार्क किया जाएगा, उनके आधार नंबर से भी उन्हें आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जाएगी। जो प्रोविजनल लिस्ट होगी उसे सभी विलेजेस वार्ड्स और गवर्नमेंट वेबसाइट्स पर सितंबर 11, 2019 को पब्लिश कर दिया जाएगा। 2 महीने के भीतर पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा। 11 सितंबर 2019 को जो पहली लिस्ट है वो पब्लिश कर दी जाएगी एज पर दी नोटिफिकेशन और अगले 30 दिनों का समय दिया जाएगा यानी कि अक्टूबर 30, 2019 तक का कि अगर कोई व्यक्ति क्लेम करना चाहता है ऑब्जेक्शन रेज करना चाहता है तो वो कर सकता है। सो व्हाट इज द रिव्यू प्रोसीजर? अगर किसी व्यक्ति का नाम RIIN में नहीं आया है तो वो क्या कर सकता है? रिस्पॉन्डेंट्स को एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो अपना केस अथॉरिटीज़ के सामने लेकर जा सकते हैं। इवेंचुअली जो रेस्पेक्टिव डिप्यूटी कमिश्नर हैं उन्हें ये अधिकार दिया जाएगा कि वो इस पूरे क्लेम को या ऑब्जेक्शन को एडजुडिकेट करें ऑफिशियल रिकॉर्ड के माध्यम से या फिर जो एविडेंसेस व्यक्ति प्रोड्यूस कर रहा है उसे चेक करें और ये निर्धारित करें कि उस व्यक्ति का नाम RIIN में होना चाहिए अथवा नहीं होना चाहिए। उसके बाद इस प्रोसेस को फाइनली 10 दिसंबर 2019 को कंप्लीट किया जाएगा। इसका मतलब ये पूरा प्रोसीजर इस साल के ख़त्म होने के पहले कंप्लीट हो जाएगा। NRC की तरह इस प्रोसेस में 4 साल का समय नहीं लगने वाला है एज पर दी नोटिफिकेशन। व्हाट विल द यूनिक आइडेंटिटी लुक लाइक? अगर किसी व्यक्ति को RIIN में जगह दी जाएगी तो उसका आइडेंटिफिकेशन या उसको क्या कोई आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा, क्या मैकेनिज्म होगा उसका? देखिए एडजुडिकेशन और वेरिफिकेशन के आधार पर जो लिस्ट तैयार की जाएगी और फाइनलाइज की जाएगी हर व्यक्ति के लिए, इसके आधार पर हर व्यक्ति को एक यूनिक आईडी दी जाएगी। जो फाइनल लिस्ट या RIIN क्रिएट किया जाएगा इसकी कॉपीज़ को हर विलेज और वार्ड में पेस्ट कर दिया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉपीज़ को भी स्टेट डेटा सेंटर में स्टोर कर लिया जाएगा। एक SMS बेस्ड ऑथेंटिफिकेशन भी यहां पर किया जाएगा ताकि आइडेंटिफाई किया जा सके कि जिसे वो नंबर दिया जा रहा है या जिसे आइडेंटिफिकेशन दिया जा रहा है वो सही व्यक्ति है। जो सभी इंडिजीनियस इनहेबिटेंट्स स्टेट में रह रहे हैं उन्हें एक बार कोडेड नंबर दिया जाएगा जिसे इंडिजीनियस इनहेबिटेंट सर्टिफिकेट नंबर कहा जा सकता है। नंबर सर्टिफिकेशन का ये जो मैकेनिज्म है ये पूरे नागालैंड में कंडक्ट किया जाएगा। इनफैक्ट ये इनर लाइन परमिट का जो ऑनलाइन सिस्टम है उसी के माध्यम से किया जाएगा। इनर लाइन परमिट जो कि नागालैंड में ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है। नागालैंड के अलावा 2 और प्रोटेक्टेड स्टेट्स हैं जहां पर ILP का ये मैकेनिज्म इम्प्लीमेंटेड है, दैट इज अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम। अब यहां पर ILP को समझना भी ज़रूरी है। देखिए ILP एक तरीके का ऑफिशियल ट्रेवल डॉक्यूमेंट होता है जिसकी ज़रूरत सबको पड़ती है अगर वो किसी ऐसे प्रोटेक्टेड स्टेट में एंट्री कर रहा है जहां पर ILP का ये मैकेनिज्म इम्प्लीमेंटेड है। ये ऑब्लिगेटरी है सभी इंडियन सिटीजन्स के लिए जो कि उस ILP प्रोटेक्टेड स्टेट के बाहर रह रहे हैं। गवर्नमेंट का एम यहां पर यही है कि जो स्टेट्स इंटरनेशनल बॉर्डर के नज़दीक में हैं उनकी जो इंडिजीनियस उनका जो कल्चर है रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए, उन्हें हिंडर ना किया जाए। ILP का ओरिजिन एक्चुअली में बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 से है। यहाँ से ये तो समझ में आ गया कि ये अंग्रेजों का एक कानून हुआ करता था। बेशक अंग्रेजों ने वहाँ के लोगों के कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए इसे नहीं बनाया होगा, उन्होंने जब इसे बनाया था तो उसका उद्देश्य
ब्रिटिश क्राउन के इंटरेस्ट को सर्व करना था, ताकि जो वहां पर टी का प्रोडक्शन किया जा रहा है, ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है या फिर एलिफेंट का ट्रेड किया जा रहा है, ये सिक्योर रहे, उसे कोई हिंडर ना करे। इसीलिए आईएलपी का ये मैकेनिज्म वहां इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके तहत ब्रिटिश सब्जेक्ट्स जो पहले इंडियंस थे उन्हें वहां पर जाने की मनाही थी, लेकिन जब 1950 में देश आजाद हुआ तो ब्रिटिश सब्जेक्ट को रिप्लेस कर दिया गया इंडियन सिटीजन से या सिटीजन ऑफ इंडिया से। उद्देश्य भी बदल गया, अब उद्देश्य वहां के लोगों के इंडिजीनियस कल्चर को या ट्राइबल कल्चर को प्रोटेक्ट करना था नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में। तो आईएलपी के बारे में आप जान गए। सो हाउ विल बी द प्रोसेस बी मॉनिटर्ड? जो पूरा प्रोसेस है उसे नागालैंड के कमिश्नर मॉनिटर करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट उनके अलावा एक नोडल ऑफिसर भी डेजिग्नेट करेगी जिसकी रैंक स्टेट गवर्नमेंट में कम से कम सेक्रेटरी की होगी। हालांकि उनका काम केवल प्रोसेस को मॉनिटर करना होगा, एडजुडिकेशन प्रोसेस में उनका कोई रोल नहीं होगा। जो नोडल ऑफिशियर्स होंगे वो एक मंथली रिपोर्ट सबमिट करेंगे एक परमानेंट कमेटी को, जिसे होम डिपार्टमेंट के अंतर्गत बनाया जाएगा पूरे एक्सरसाइज को मॉनिटर करने के लिए। इसके इतर जो नागालैंड के चीफ सेक्रेटरी टैमजेन टॉय हैं वो भी इस पूरे प्रोसेस को मॉनिटर करते रहेंगे। सो हाउ विल द RIIN बी अपडेटेड? एक्चुअली में अपडेटेशन का कोई मैकेनिज्म यहाँ बताया ही नहीं गया है। ये साफ कर दिया गया है कि इस पूरे प्रोसेस के अपडेट होने के बाद किसी भी फ्रेश इंडिजीनियस इनहैबिटेंट को सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा एक्सेप्ट न्यू बॉर्न बेबी, जो कि इंडिजीनियस इनहैबिटेंट्स के द्वारा ही बॉर्न हो। मतलब कि किसी अन्य व्यक्ति की एंट्री इस पूरे प्रोसेस के कंप्लीट होने के बाद मुश्किल हो जाएगी। क्या होगा उनका जो इस लिस्ट से एक्सक्लूड हो जाएंगे? कुछ नहीं बताया गया है, एक्चुअली में बताया भी नहीं जा सकता। आप उन्हें कहीं भेज नहीं सकते बिकॉज बांग्लादेश या किसी भी आसपास के जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ हमारी कोई ऐसी ट्रीटी नहीं जिसके मुताबिक हम उन्हें वापस भेज सकें। नोटिफिकेशन में सिर्फ यही कहा गया है अगर कोई छूट गया है तो वो अपनी कंप्लेन फाइल कर सकता है, देखा जाएगा कि उसका नाम सही तरीके से बाहर किया गया है गलत तरीके से। इसके अलावा और कुछ भी नहीं बताया गया है। तो देखिए एक्सप्लेनेशन में ये बोला गया है ये पूरा प्रोसेस आसाम के NRC से थोड़ा सा अलग है। क्यों? क्योंकि आसाम का जो NRC था वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मैंडेटेड प्रोसेस के जरिए कंप्लीट किया गया था, जबकि नागालैंड का जो RIN है ये इनिशिएटिव स्टेट गवर्नमेंट का है। RIIN ने एक्चुअली में आसाम के NRC की तर्ज पर ही इस पूरे प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करने का फैसला किया है। उन्होंने ये भी कहा था कि उन्होंने NRC के पूरे प्रोसेस को देखा है और अब वो बड़े आराम से इस प्रोसेस को अपने यहाँ कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन आइडेंटिटी कंसर्न की वजह से ये मुद्दा भी वैसे ही लटकेगा जैसे कि आसाम का NRC लटका था, ऐसा कई से कमेंटेटर्स का विचार है। मिजोरम और मेघालय भी ऐसा ही प्रपोजल लेकर आने की तैयारी कर रहे हैं NRC की तर्ज पर। ये फर्दर एक चैलेंज होगा कि अगर एक के बाद एक स्टेट्स ऐसे ही मैकेनिज्म्स लेकर आते रहते हैं तो ये कितना कंट्रोवर्शियल हो सकता है, कितना प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है वहाँ के ऐसे लोगों के लिए जो अपनी रेसिडेंसी को प्रूव नहीं कर पाएंगे। इन्हीं प्रोसेसेस से जुड़ी कंट्रोवर्सी प्रपोज्ड अमेंडमेंट टू सिटीजनशिप एक्ट की भी है, क्योंकि इस एक्ट के मुताबिक जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो तो भारत में बड़े आराम से नागरिकता ले लेंगे, लेकिन मुस्लिम्स के लिए नागरिकता लेना लगभग इम्पॉसिबल होगा। तो जो लोग इन लिस्ट से बाहर होंगे अगर वो नॉन मुस्लिम हैं तो उनके लिए समस्या कम है, लेकिन जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी समस्या होगी। कुल मिला के ये डेवलपमेंट्स कई सारे कमेंटेटर्स के हिसाब से देश के हित में नहीं है। आसाम में जो NRC अपडेट किया गया एक्चुअली में वो 1951 के सेंसस के बाद बना हुआ एक NRC ही था जिसे अपडेट कर दिया गया, और वो इसलिए किया गया था क्योंकि स्टेट में डेमोग्राफी काफ़ी तेज़ी से चेंज हो रही थी। लेकिन इस पूरे प्रोसेस के बाद हमने देखा कि 40 लाख लोगों को बाहर कर दिया गया, अब वो नॉन सिटीजन है, उनका क्या होगा हमें नहीं पता क्योंकि हम उन्हें दूसरे देशों में नहीं भेज सकते। तो हम उनका क्या करेंगे? क्या वो स्टेटलेस पीपल किसी स्पेशल कैंप में रहेंगे? नॉर्थ ईस्ट में जो कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की बहुत प्राचीन हिस्ट्री के लिए जाना जाता है, NRC या सिटीजनशिप लॉ के जो प्रोसेसेस हैं वो वहाँ के लोगों में सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी क्रिएट कर रहे हैं, ऐसा कंक्लूजन में बताया गया है। तो देखिए एक क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर मीन्स का है। आफ्टर आसाम नागालैंड हैज़ प्लान टू सेट अप अ रजिस्टर ऑफ इंडिजीनियस इनहैबिटेंट्स, डू यू फील देयर इज नीड फॉर अनदर NRC लाइक प्रोसेस इन एनी अदर स्टेट? देखिए आसाम के बाद नागालैंड में भी एक रजिस्टर ऑफ इंडिजीनियस इनहैबिटेंट्स तैयार किया जा रहा है। क्या आपको ऐसा लगता है कि NRC लाइक प्रोसेस की आवश्यकता किसी अन्य स्टेट में है? आपके विचार में अगर ऐसा कोई प्रोसेस स्टार्ट किया जा रहा है तो क्या पॉसिबल चैलेंजेस हो सकते हैं? सवाल का जवाब आपको 200 शब्दों में देना है। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके लिए इंटरव्यू का है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हाट डू यू वांट टू बी NIS? आप एक IAS ऑफिसर क्यों बनना चाहते हैं? सवाल का जवाब जैसा कि हमने पहले भी बात की है, आप एक डायरी बना सकते हैं उसमें ज़रूर मेंशन करिएगा। इनफैक्ट इस सवाल का जवाब तो आपके पास ज़रूर होना चाहिए। यहाँ पर हमारा ये सेशन समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।